फ्रेंड्स, मैं हूं शिखा और स्वागत है आपका बनारसी जायका में। दोस्तों, सावन स्टार्ट हो गया है और ज़्यादातर इस महीने में लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं। और दूसरी बात, कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता है कि आज क्या बनाएं, या घर में सब्जी नहीं होती है, या सब्जी खाने का मन ही नहीं करता है। तो ऐसे में ये सब्जी ज़रूर ट्राई करें जो कि सिर्फ प्याज से ही बनेगी और इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त रहेगा ना कि आपको लगेगा कि आप बिल्कुल मटन खा रहे हैं। इसका टेस्ट बिल्कुल मटन जैसा रहेगा। ये अकेली ही सब्जी सब सब्जियों पर भारी पड़ने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये बिल्कुल आपके घर में रखे हुए सामान से ही बनेगी, बाजार से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही सिंपल आसान रेसिपी है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने जो है कि 2 चम्मच पोस्ता का दाना लिया है, इसे खसखस भी बोलते हैं। साथ ही 2 चम्मच जो है कि मैंने काजू और 2 छुहाड़े लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इन सारी चीज़ों को एक गर्म पानी में, मतलब गर्म पानी से ही इसे हम भिगाएंगे 1 से 2 घंटे के लिए, जिससे कि अच्छे से फूल जाए। तो यहाँ पे मैंने जो है कि इसमें गर्म पानी ऐड किया है और इसे जो है कि अलग करके 1 से 2 घंटे के लिए हम रख देंगे। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर जो है कि 8 मीडियम साइज़ का प्याज काटा है। ये वज़न में लगभग 750 ग्राम होंगे। इसके रूट को मैंने काट कर और एक एक पीस जो है मैंने अलग अलग करके मतलब काटा। ये देखिए लंबे लंबे जॉइंट नहीं है, इसको बिल्कुल अलग अलग करके मैंने फाइन चॉप किया है लंबे लंबे। इससे क्या होता है ना, ये बहुत ही जल्दी से लाल हो जाते हैं, अच्छे से पक जाते हैं। तो सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में जो है कि हम सरसों का तेल लेंगे 2 बड़े चम्मच। अच्छे से हीट करने के बाद इसमें 1/2 छोटा चम्मच जीरा और 2 तेज़पत्ता का तड़का लगाएंगे। इसके बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। तो प्याज देखिए जब अलग अलग रहेगा ना तो बहुत ही जल्दी एक साइज़ का एक तरह का ही मतलब लाल हो जाते हैं, कई कम या ज़्यादा नहीं रहते हैं। तो बस इसे अच्छे से मिक्स करिए और इसे हमें क्या करना है ना, गलाना है बिल्कुल। हमें इसको एकदम ब्राउन भी करना है, सॉफ्ट भी रखना है और गलाना भी है। हमें इसको एकदम गोल्डन फ्राई करके एकदम क्रिस्पी नहीं बनाना है। तो इसके लिए यहाँ पर जो है कि मैंने थोड़ा नमक ऐड किया है स्वाद अनुसार, जिससे कि ये बहुत ही जल्दी गल भी जाएंगे, अच्छे से लाल भी हो जाएंगे और ये सॉफ्ट भी रहेंगे, क्रिस्पी नहीं होंगे। तो बस हमें इसे ढक कर पकाना है तब तक जब तक कि ये गोल्डन नहीं हो जाते हैं। अब इसके मसाले के लिए देखिए, हमें यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि इस सब्जी में हम जो है सिर्फ प्याज यूज़ कर रहे हैं, कोई आलू गोभी मटर वगैरह कोई भी सब्जी यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है कि हमें मसाले थोड़े कम लगाने होंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 छोटे चम्मच जो है कि लहसुन लिए हैं, यानी 15 से 20 कलियाँ, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा है और 5 से 6 जो है कि हरी मिर्च है जो कि लाल हो चुकी है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर हरी मिर्च आपकी लाल हो जाती है आप उसे यूज़ करें, इससे सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि हमें इसे तीखा भी कम बनाना है, क्योंकि कुछ भी इसमें सब्जी ऐड नहीं जो कि तीखा मसाला सोखेंगे। तो बस इन सारे मसालों को हम एक फाइन पेस्ट बनाकर रख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, इसे फूलने हुए जो है कि 1 से 2 घंटे हो चुके हैं। तो हमें क्या करना है, इसके पानी को एक छन्नी से छान देना है और उसके बाद जो है कि इसका ये जो छुहाड़ा है उसमें से बीज निकाल देना है और फिर इसका भी हमें पेस्ट बनाना है। तो सबसे पहले इसे देखिए हमने छान लिया है, छुहाड़े को बीज से कट करके इसका बीज निकाल लिया है। अब ग्राइंडिंग जार में इसे लेकर थोड़ा जो है कि साथ में हम यहाँ मलाई का यूज़ करेंगे। घर की ही मलाई है, करीब 2 चम्मच है। आप चाहें तो इसके बदले में दूध भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस इस मलाई को और इस छुहाड़ा काजू और पोस्ता के दाने को आपस में मिक्स करके इसका हम एकदम फाइन पेस्ट बनाना है। तो देखिए कुछ इस तरह से इसका फाइन पेस्ट बनाकर हमने अलग रख लिया है। तो इस तरह से हमारे मसाले तैयार हो गए हैं। साथ में कुछ और मसाले हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने ये पेस्ट बनाकर तो रख ही लिया है, साथ ही जो है कि यहाँ पर मैंने 1/2 छोटा चम्मच से भी कम यानी 1/4 चम्मच गर्म मसाला लिया है, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी और 1 छोटा चम्मच सब्जी मसाला। आप कोई भी सब्जी मसाला लीजिए, जो भी आप रेगुलर यूज़ करते हैं वो मसाला ले लीजिए। एक गर्म मसाला घर का बना हुआ गर्म मसाला है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप ज़रूर चेक करिएगा। ये मसाला बहुत ही अच्छा होता है, इससे नॉनवेज वगैरह का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। आप सिर्फ इस मसाले से भी नॉनवेज बनाएंगे बहुत टेस्टी बनेगा। तो ये भी ध्यान दीजिए कि यहाँ पे मसाले भी जो है कि हम बहुत ही कम मात्रा में यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ प्याज के अकॉर्डिंग ही हमें थोड़ा थोड़ा मसाला यहाँ पे ऐड करना है। हमें तेज मसालों का यूज़ यहाँ पे नहीं करना है, सब्जी जिससे कि मीठी मीठी बनेगी। तो ये बात ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये हमारे प्याज जो हैं अच्छे से गल चुके हैं, है ना, एकदम सॉफ्ट भी हैं, गल भी गए हैं और ब्राउन भी हो चुके हैं। तो बस कुछ इसी तरह का टेक्सचर हमें इसका चाहिए था, हमें एकदम इसको क्रिस्पी नहीं करना था। तो बस अब ये अच्छे से हमारे ब्राउन हो चुके हैं, ऑयल भी अच्छे से सेपरेट हो चुका है। अब इस स्टेज पर जो है कि हम यहाँ पर जो हमने पेस्ट बना कर रखा था अदरक मिर्च और लहसुन का,
उसे यूज़ करेंगे। ये देखिए प्याज गलने के बाद कितना क्वांटिटी कम हो गया है ना, बट क्या है ना ये सब्जी बनने के बाद इतनी टेस्टी लगती है ना कि आप इससे कम क्वांटिटी में भी अधिक से अधिक रोटियाँ खा सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, फटाफट बनकर तैयार होती है और बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है कि मैं अब मसाले ऐड करने जा रही हूँ। तो ये देखिए मैंने डाल दिया इसमें। अब इसे क्या करना है कि एक से दो मिनट के लिए करीब इसे जो है कि हमें पहले भुनना है, जिससे कि इसका कच्चापन निकलना है। तो देखिए थोड़ा देर के लिए इसे हम भुनेंगे। बहुत ही टेस्टी सब्जी लगती है। और यहाँ पे जो है कि इसमें मसाले हम ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे अच्छे से भुनेंगे, ढक कर पकाएंगे जब तक इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता है। तो देखिए हमने पानी ऐड किया थोड़ा सा, अच्छे से मिक्स करेंगे और ढक देंगे दो से तीन मिनट के लिए। तो अब देखिए दो से तीन मिनट के बाद देखिए मसाला अच्छे से भुन चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, जो हमने पेस्ट बनाकर रखा था काजू मलाई पोस्ता का दाना और छुहाड़े का, यहाँ पर हम ऐड करेंगे। इस तरह का पेस्ट हमेशा लास्ट में ऐड करना चाहिए, क्योंकि ये काजू वगैरह जो होते हैं ना तली में चिपकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे ऐड तो कर दिया है, साथ में जिस ग्राइंडिंग जार में इसे पीसा था उसे थोड़ा धोकर इसमें पानी ऐड करके बस अब धीमी आंच पर ही इसे हमें थोड़ी देर के लिए और भुनना है, जब तक कि ये अच्छे से भुन नहीं जाता, अच्छे से क्रीम नहीं छोड़ देता। तो बस इसे ढककर हमें थोड़ी देर के लिए और पकाना है, अच्छे से भुनना है। भुनने में ही सारी कला है, जितने अच्छे से आप भुनेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट इसका आएगा। तो बस अब इसे यहाँ पे जो है कि हमने शुद्ध देसी घी थोड़ा ऐड किया है, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप ज़रूर डालें। तो बस इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे और अच्छे से ढककर थोड़ी देर के लिए और हम पकाएंगे। तो हमने इसे ढक दिया है और बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे। तो देखिए 5 मिनट बाद लगभग जो है कि ये हमारे मसाले अच्छे से भुन चुके हैं, ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब इस स्टेज पे यहाँ पे जो है कि आधा छोटा चम्मच हम कसूरी मेथी का ऐड करेंगे। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें या फिर ना डालें, बट इसे टेस्ट जो है कि बहुत ही अच्छा आता है। तो बस यहाँ पर जो है कि अच्छे से इसे हम मिक्स करेंगे और थोड़ा पानी ऐड करेंगे। तो पानी भी बहुत ज़्यादा हम ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ एक छोटा कप, मतलब एक कप के बराबर हम पानी ऐड करेंगे। ये ग्रेवी थोड़ी थिक ही अच्छी लगती है, बहुत गीली ग्रेवी ना बनाएं। आप चाहें तो फिर अपने हिसाब से पानी एडजस्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी रहेगी, बहुत ज़्यादा नहीं। अब इसे भी थोड़ा देर के लिए भी और पकाना है, और जो है कि ये जैसे जैसे ठंडी होगी बाद में गाढ़ी हो जाएगी। तो देखिए कुछ इस तरह से ही रहेगा। आप ये ना सोचें कि ये सब्जी बहुत ही कम क्वांटिटी बनेगी तो कैसे मतलब सबको एडजस्ट हो पाएगा। तो अब थोड़ा मैंने पानी और ऐड किया है, मतलब थिकनेस देख लीजिए इसका। तो बात यह है कि ये सब्जी अगर कितनी भी क्वांटिटी में कम रहे, इतनी टेस्टी बनती है कि कम क्वांटिटी में भी लोग सब्जी आराम से खा सकते हैं। और लोगों को आप खिलाएंगे ना तो लोग यही बोलेगा कि भाई आपने मटन तो खिला दिया, ग्रेवी मटन कहाँ है, क्वेश्चन जरूर करेंगे। तो यहाँ पर जो है कि एक चौथाई जो है कि चम्मच मैंने चीनी का भी यूज़ किया है, इससे भी जो है कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप ज़रूर इसे ट्राई करें। तो बस कुल मिला जुला कर यही है कि इसका टेस्ट बिल्कुल मटन जैसा लगता है। अब शादी ब्याह में कोई अगर सब्जी खाते हैं उसी ग्रेवी का टेस्ट इसमें आएगा। तो देखिए लगभग 5 मिनट बाद हमारी सब्जी एकदम बनकर रेडी हो चुकी है, कुछ इस तरह से गाढ़ी है। अब ठंडी होगी तो थोड़ी और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो बस अब इस स्टेज पे क्या करना है कि हमें गैस को ऑफ करना है और बस धनिया से इसकी गार्निशिंग करके इसकी हमें प्लेटिंग करनी है। यहाँ पर हमने गैस ऑफ कर दिया, धनिया ऐड किया और मिक्स कर देंगे। हमारी सब्जी जो है कि बनकर तैयार हो चुकी है। तो ये देखिए बिल्कुल टेस्टी, एकदम शादी ब्याह वाला जो ग्रेवी होता है ना सब्जियों का वो, या फिर आप मटन कह लीजिए, भाई सावन में तरसने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग नॉनवेज लवर होते हैं ना उनको बहुत दिक्कत होती है, तो एक बार ये सब्जी जरूर ट्राई करें। ये बिल्कुल नॉनवेज जैसा लगता है, एकदम मटन का स्वाद है। यकीन नहीं हो रहा है ना कैसे होगा, तो भाई ट्राई कीजिए, बनाइए, बनाएंगे तभी तो पता चलेगा कि ये नॉनवेज जैसा टेस्ट है या नहीं। और अगर आपने बनाने के बाद ट्राई किया, पसंद आया, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप ही इस तरह से सब्जी बनाइए, सबको खिलाइए, नान रोटी पुलाव किसी भी चीज़ के साथ खाइए, पराठे बहुत ही टेस्टी लगते हैं, फ्लेवर बिल्कुल रिच और क्रीमी होता है, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय।